दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंदी राजनीति शुरू कर दी है। कल अगर सारे के सारे बेड भर गए आपके इस नतीजे की वजह से, आपके इन फैसलों की वजह से, तो कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई मौत होती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पीपीई किट में घोटाला कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे आप वेंटिलेटर पे घोटाला कर रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंदी राजनीति शुरू कर दी है और डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे पूरा डिजास्टर फैलाना शुरू कर दिया है। कल हमारी सरकार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में निर्णय लिया था कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें दिल्ली वालों का इलाज किया जाएगा कुछ चीजों को छोड़ के, और केंद्र सरकार के जो 10,000 बेड केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे अस्पतालों में है और है वहां पे, वो देश के कहीं से भी लोग आके उसमें इलाज करा सकते हैं। कोविड के समय में, इतने बड़े खतरे के समय में, ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी था। बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से विचार करके, रणनीति बना के दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था ताकि कल को दिल्ली में अगर केस और बढ़े तो दिल्ली के आदमी को, दिल्ली के लोगों को इलाज मिल सके, दिल्ली के लोगों को अस्पताल मिल सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा था कि कितने केसेस होने पर कितने बेड की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे अरेंज होंगे, उसी के हिसाब से कल दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के ऊपर दबाव डाल के जबरन उनसे ये आदेश पारित कराया है कि दिल्ली सरकार के केंद्र कैबिनेट के तहत जो फैसला लिया गया उसको नहीं माना जाएगा, बल्कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करने में प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, उनको नहीं रखा जाएगा, बल्कि कहीं से भी कोई आके आ सकता है। कल को अगर दिल्ली में जितने बेड हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर भर गए, 3 दिन के अंदर अंदर भर गए पूरे देश से आके, तो उसके बाद में दिल्ली में कोई आदमी बीमार हुआ, दिल्ली में किसी आदमी की मौत हुई, तो वो कहां जाएगा? आपसे तो कहीं इलाज हो नहीं रहा ठीक से। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पीपीई किट में घोटाला कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे आप वेंटिलेटर पे घोटाला कर रहे हैं, गुजरात में आप वेंटिलेटर घोटाला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में घोटाला कर रहे हैं, आपसे संभल नहीं रहा, गाजियाबाद में लोग एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आपने पीपीई किट घोटाला कर दिया, आपकी नेता पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, और दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्छी राजनीति करके एलजी पे दबाव डाल डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त देश हित में सोचना चाहिए, दिल्ली के लोगों के, देश के लोगों के हित में सोचना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं फिर से कि कल अगर सारे के सारे बेड भर गए आपके इस नतीजे की वजह से, आपके इन फैसलों की वजह से, तो कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई मौत होती है? अगर किसी आदमी को बेड नहीं मिला, जैसे कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने योजना बना रखी थी कि एक एक आदमी को इतने केस होने पे इस तरह के बेड अरेंज किए जाएंगे, प्राइवेट होटल्स तक से अरेंज कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल तक से अरेंज कर रहे हैं, आपने तो 1 मिनट में सारा पलट दिया। अब ये सारे बेड 4 दिन में भर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप जिम्मेदारी लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेगी इस बात की कि दिल्ली में किसी की मौत नहीं होगी?